तो हेलो फ्रेंड्स, तो यदि आप भी अपना मोबाइल के कीपैड में कीबोर्ड में आप इस तरह का लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। फ्रेंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कि आप अपना मोबाइल के कीबोर्ड में RGB लाइट कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि आप अपना व्हाट्सएप पे यदि टैप करते होंगे, टाइपिंग यहाँ पर करते होंगे, तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल है। तो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप इसमें लाइटिंग कैसे लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना, वहाँ से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, LED कीबोर्ड। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करने के आप इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, LED कीबोर्ड लिखा रहेगा और इस तरह का तीन ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद नीचे वाला क्लिक करना है आपको LED कीबोर्ड पे, उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, नेट अपन ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपका बहुत सारा अभी शो करेगा, देख सकते हैं अभी थोड़ा लोड लग रहा है। और यहाँ पर सेटिंग दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना लैंग्वेज, इनपुट डिवाइस, फॉन्ट, कीबोर्ड का चेंज, इस तरह से यहाँ से आप अपना मोबाइल का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आपको यदि चेंज करना रहेगा तो फिर। और यहाँ से जितना भी आपको लाइटिंग से फ्री मिलेंगे देख सकते हैं, इस तरह का आप लाइटिंग कीबोर्ड यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक कीबोर्ड यहाँ से सेट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये वाला कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ पर कीबोर्ड। तो इस कीबोर्ड को मैं अभी सेट कर लेता हूँ, देख सकता हूँ यहाँ पर गेट थम्स पर आपको क्लिक करना है और ये आपका सेट हो चुका है। तो देख सकते हैं इस तरह से आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक अट्रैक्टिव लग रहा है। इस तरह से सब भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप व्हाट्सएप पे भी खोल के वहाँ पर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर भी उसी तरह का आ रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ से सेटिंग पर भी जाके आप यहाँ पर साउंड ऑन करना चाहते हैं इसका कीबोर्ड का साउंड, तो प्रेस करके तो ऑन कर सकते हैं, इस तरह का आवाज़ आएगा, देख सकते हैं। साउंड बंद भी करना चाहते हैं, वाइब्रेट ऑटो करेक्ट रखना चाहते हैं, इस तरह सारी चीज़ आपको यहाँ से कर लेना है, देख सकते हैं ऑटो करेक्ट, स्वीप टू टैक्स, यहाँ से सारी चीज़ कर लेना है आपको। और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये हो गया यहाँ पर। और भी बहुत सारे यहाँ पर है LED थीम्स है, आप यहाँ से देख लें अपने हिसाब से। वॉलपेपर है, माई थीम्स, यहाँ से जाके भी अपना ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर इमोजी भी आता है, आप इमोजी यहाँ से लगा सकते हैं अपना। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कस्टम इनपुट स्टाइल मिल जाएगा, लेआउट मिल जाएगा, साउंड ऑन की प्रेस मिल जाएगा, यहाँ पर साउंड चूज कर सकते हैं भी किसी भी अपना कीबोर्ड का, देख सकते हैं जैसे साउंड ऑन की प्रेस। तो ये वाला जिस तरह का आपको करना, जैसे गन वाला आपको करना है, तो देखता हूँ मैं गन वाला भी कैसा मेरा साउंड शायद यहाँ प्रेस होगा, इसे मैं नाम लेता हूँ, तो देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक साउंड है इसमें, देख सकते हैं आप इस तरह से साउंड का आप यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, काफ़ी ख़तरनाक है, इस तरह का आप यहाँ से बदल सकते हैं। और यहाँ से सौ रॉफ मतलब आप नंबर जो ऊपर में जो आता है आपके अल्फाबेट के ऊपर में, वो यहाँ से ऑन कर देना आपको, कैरेक्टर की इसको भी ऑन कर देना है, चाहे तो इसको ऑन कर सकते हैं, चाहे सिर्फ किसी भी जैसे ए को प्रेस करना है, उसके बाद @ आ जाएगा इस तरह का जो आता है, उसको इसको ऑन करने के बाद आपको उस तरह का लिखा जाएगा। यहाँ से सब चीज़ ठीक है, आपको ये सब सबको ऑन कर लेना, ऑटो करेक्ट, डबल स्क्रीन,